देख राहुल, चने को सस्ता मत बेचना। बहुत बढ़िया चना पैदा हुआ है अपने खेत में, इसीलिए मैं मंडी में खुद आई हूँ, क्योंकि तू जो भी फसल होती है उसे सस्ते भाव में मंडी में बेच देता है। आज मैं अपने सामने बोली लगवाऊंगी अपने चने की। 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोली शुरू कर राहुल तू इस चने की। अरे सोनिया जी, कैसी बात कर रही हो? तुम तो ये समझ रही हो कि खेत में चना नहीं सोना पैदा हो गया, इतने महंगे भाव से अपने चने की बोली लगवाओगी? इस बोली से मैं तो पीछे हटता हूँ, मैं नहीं खरीदूंगा इस चने को। अरे जाओ लालू जी, तुम्हें नहीं खरीदना है तो मत खरीदो मेरे चने को। जब मम्मी जी ने कह दिया कि 10,000 रुपए से बोली की शुरुआत होगी तो 10,000 रुपए से होगी, चाहे तुम खरीदो चाहे मत खरीदो। देखो मोदी जी, योगी जी, अखिलेश बहुत से खरीदार हैं, ये खरीदेंगे हमारे चने को। चलो 10,000 रुपए से बोली स्टार्ट करता हूँ। 10,500 में मैं खरीदता हूँ तुम्हारा चना। अरे योगी जी, ऐसे कैसे खरीदते हो तुम? हम कोई झक मारने के लिए थोड़ी आए। 11,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मैं खरीदता हूँ राहुल का चना। 12,000 रुपए प्रति क्विंटल से मैं खरीदता हूँ। 15,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मैं खरीदता हूँ जी इस चने को। 16,000 रुपए प्रति क्विंटल। 17,000 रुपए प्रति क्विंटल। 20,000 रुपए प्रति क्विंटल। 22,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मेरे नाम में लिख दो इस चने को। अरे ऐसे कैसे लिख दो? 25,000 रुपए प्रति क्विंटल। जबरदस्त चने की बोली देखने को मिल रही है योगी जी और अखिलेश के बीच, लेकिन मोदी जी अभी खामोश हैं। योगी जी की लास्ट बोली 25,000 रुपए प्रति क्विंटल। 50,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मैं लेता हूँ तुम्हारा चना राहुल। भाई अब तो मैं चने की बोली से पीछे हाथ करता हूँ, अब मैं नहीं खरीदूंगा इतना महंगा चना। योगी जी अब लगाओ चने की बोली, मोदी जी के सामने देखते हैं कौन खरीदता है ये चना, अब तो देखेंगे हम। अरे अखिलेश, हम तुम्हारे तरह पीछे थोड़ी हटने वाले। 55,000 रुपए प्रति क्विंटल। 70,000 रुपए प्रति क्विंटल। अरे मोदी जी, एकदम इतनी लंबी बोली लगा रहे हो, कम से कम 55 के बाद 60 बोल देते, तुम तो 70 पे आ गए। चलो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, 80,000 रुपए प्रति क्विंटल। 1,00,000 रुपए प्रति क्विंटल। 1,00,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से राहुल ये चने की डेयरी मेरे नाम में लिख दो। अरे भाई, अब पीछे हटने में ही भलाई है। मोदी जी आप ही खरीद लो ये चने की डेयरी, मैं नहीं खरीदूंगा। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब क्या होगा राहुल, जो थोड़े बहुत चावल थे वो भी आज अपनों ने पका लिए, अब क्या करेंगे अपना? पूरे 10 दिन से बाढ़ में घिरे हुए हैं, इसी तरीके से इस बेंच पे बैठे बैठे दिन रात गुजार रहे हैं। लोग अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगह पर जा रहे हैं। बस आज भर के खाने के लिए चावल थे वो अपनों ने पका लिए, अब तो अपनों को खाने के लिए चावल भी नहीं है, अपना भी दूसरे गाँव में चलती है। अरे चावल की तो बहुत दूर की बात है मोदी जी, गैस सिलेंडर में जो गैस थी वो भी खत्म हो गई, चावल भी अधपके रह गए। अब इस बाढ़ में बेंच पे कब तक बैठे रहोगे? गांव छोड़ने में ही भलाई है। लेकिन कैसे गांव छोड़े राहुल, कोई नाव भी नहीं चला रहा जिससे नाव में बैठ के चले जाते, और पानी में मुझे चलते हुए डर लगता है। वैसे एक तरीका है मोदी जी, लालू जी गांव के लोगों को बाढ़ से निकाल के सही जगह पर पहुंचा रहे, सूखी जगह पर। कैसे राहुल, किस तरीके से पहुंचा रहे वो? क्या उन्होंने नाव खरीद ली? अरे नाव कुछ नहीं खरीदी है, अपने कंधे पर बैठाल के एक आदमी को ले जाते और सूखी जगह पे पहुंचा देते। क्या ये काम वो फ्री में कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं? अरे समाज सेवा आज के जमाने में कौन करता है, वो एक आदमी को बाढ़ से निकालने के पूरे 500 रुपए ले रहे हैं। अरे वो आ गए, देखो अखिलेश को लेके जा रहे हैं वो अपने कंधे पर बैठाल के, बात कर लो उनसे। लालू जी रुको रुको रुको। बोलो मोदी जी, क्या बात है? अरे हमें भी इस बाढ़ से निकलना है, कितना रुपया लोगे हम दोनों का? और ये तुम्हारे साथ में योगी जी क्यों हैं? अरे हम मैं एक भी रुपया नहीं लूंगा। तो क्या हमें बाढ़ से फ्री में निकाल दोगे कंधे पर बैठाल के? अरे मोदी जी, ये फ्री में क्या निकाल देंगे, ये बस अखिलेश को निकाल ले यही बहुत बड़ी बात है। अरे ये 500 रुपए के चक्कर में कुछ देखते ही नहीं है हल्का भारी आदमी। अभी तक तो ये बच्चों को निकाल रहे थे, लेकिन अब इन्होंने अपने कंधे पर जैसे ही अखिलेश को बैठा ला, अखिलेश को लेके पानी में गिर गए। अब उल्टा मैं इन्हें बाढ़ से हाथ पकड़ के निकाल के ला रहा हूँ। अच्छा हुआ मैं लालू जी के कंधे पे बैठा हुआ नहीं था, अगर ये मुझे लेके गिर जाते तो मुझे पानी से बहुत डर लगता है भाई। लालू जी, अब मैं तुम्हें 500 रुपए नहीं दूंगा, तुमने तो ये कहा था बिल्कुल सही तरीके से मैं इस बाढ़ से निकाल दूंगा, लेकिन तुम तो उल्टा मुझे लेके गिर गए, इसीलिए मैं 500 रुपए आपको नहीं दूंगा। ज्यादा बातें मत मिलाओ अखिलेश, अभी भी तुम मेरे कंधे के ऊपर हो, समझ रहे हो मेरी बात को? अरे समझ गया लालू जी, मैं आपकी बात को समझ गया, बाहर निकलते ही मैं तुरंत आपके 500 रुपए दे दूंगा। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय ले लो मेरी चाय, जल्दी जल्दी चले आओ चाय पीने के लिए मेरी, आ जाओ भाई लोगों। अरे क्या मोदी जी, ये तुम्हारी चाय पीने के लिए कौन आएगा? टोटल 4 लोग तो अपना इस झोपड़ी पे एक हफ्ते से बाढ़ में फंसे पड़े हैं, पूरे गांव में इतनी भयंकर बाढ़ आई है,
कि अपनी झोपड़ी आधे से ज्यादा पानी के अंदर डूब गई और अपना इस झोपड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं और कोई इस झोपड़ी के ऊपर आ भी नहीं सकता अपना चार के अलावा, क्योंकि इतना पानी है चारों तरफ और तुम आवाज लगा रहे हो आ जाओ चाय पीने के लिए आ जाओ, कौन आएगा चाय पीने के लिए। अरे वो सब तो छोड़ो राहुल, कोई चाय पीने के लिए आएगा कि नहीं आएगा वो तो बात की बातें हैं, पहले ये समझो अपना इस झोपड़ी पे एक हफ्ते से बैठे हुए हैं, एक हफ्ते से ये अपनी केतली में चाय लिए बैठे हैं और एक हफ्ते पुरानी चाय को बेच रहे हैं रोज और कहते हैं गर्मा गर्म चाय। अरे एक हफ्ते पुरानी चाय क्या गर्म होगी। लेकिन राहुल ना मैंने ना तुमने चाय पी इनकी, लेकिन अखिलेश इनकी चाय बहुत पी रहा है और ये खुद भी अपनी चाय को पी रहे हैं एक हफ्ते पुरानी चाय को। अरे योगी जी कब तक नहीं पियोगे मेरी चाय, एक हफ्ता अगर इसी तरीके से बाढ़ रहेगी तो भूख के मारे तुम बेहाल हो जाओगे, फिर मेरी इसी चाय को मांगोगे। और क्या कह रहे थे तुम कि मेरी चाय ठंडी हो गई। अरे मेरी केतली ऐसी है इस केतली के अंदर एक बार मैं गर्म चाय भर लूं तो महीने भर तक ठंडी नहीं होती है और मैं चाय बनाकर ही हटाता, अचानक बाढ़ आ गई, अचानक अपना लोग झोपड़ी पे चढ़ गए, तब से चाय यूं ही गर्म है। मेरी बात का यकीन ना हो अखिलेश से पूछ लो, क्योंकि मैं और अखिलेश तो मजे से चाय पी रहे हैं। अरे योगी जी राहुल बहुत बढ़िया चाय है मोदी जी की, एक हफ्ता हो गया अपनों को इस बाढ़ में फंसे हुए, लेकिन मैं तो रोज इनकी चाय पी रहा हूँ, इनकी केतली बहुत बढ़िया है, बिल्कुल उसके अंदर गर्म चाय रहती है। लेकिन मोदी जी आप चाय महंगी बहुत लगा रहे हो। अरे अखिलेश कितनी महंगी लगा रहा हूँ मैं, क्या घर बार मांग रहा हूँ तुमसे मैं। अरे घर बार नहीं मांग रहे हो, उससे कम पैसे भी नहीं मांग रहे हो। अरे 50,000 रुपए की एक चाय। अरे मोदी जी 50,000 रुपए की एक चाय बेच रहे हो। अरे बाढ़ का पानी घटने लगा भैया, हम तो ऐसी भूखे ही सही है, तुम्हारी चाय का पैसा कहाँ दे मिलेगा अगर हमने चाय पी ली। हाँ सही कह रहे हो योगी जी, इनकी चाय इतनी महंगी है अगर मैंने पी ली तो जमीन बेचकर भी नहीं चुका पाऊंगा पैसे, 50,000 रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी बाढ़ तो मैंने आज तक नहीं देखी, चारों तरफ पानी पानी है, पूरे गांव में कमर कमर भर पानी है, सब्जी भी सही तरीके से नहीं बिक पा रही है इस बाढ़ में। आ जाओ भाई आ जाओ, आलू टमाटर प्याज लेने के लिए आ जाओ मेरे पास। अरे अखिलेश क्या लोगे, कैसे थैला थामे खड़े हो। अरे मोदी जी ये टमाटर क्या रेट दिए, टमाटर क्या रेट बेच रहे हो, टमाटर का रेट बताना। 1,000 रुपए किलो टमाटर बेच रहा हूँ मैं। अरे मोदी जी टमाटर के रेट बता रहे हो या किसी हीरे के रेट बता रहे हो, मुझे लगता है मोदी जी तुम बाढ़ का गलत फायदा उठा रहे हो गांव के लोगों से। अरे इतनी महंगी सब्जी कौन बेचता है 1,000 रुपए किलो टमाटर। अरे योगी जी आ गई है, थैले में क्या ला रहे हो योगी जी। कुछ नहीं अखिलेश, सब्जी खरीद के ला रहा हूँ पास वाले गांव से, उस गांव में बाढ़ का पानी नहीं है। इन मोदी जी के पास से सब्जी क्यों नहीं खरीदी तुमने, दूसरे गांव में क्यों गए बाढ़ का पानी पार करके। अरे क्या बताऊं अखिलेश, इन मोदी जी से मैंने शिमला मिर्च का रेट पूछा, इन्होंने 900 रुपए किलो बताया, अब मैं बराबर वाले गांव से 9 रुपए किलो शिमला मिर्च खरीद के ला रहा हूं तो इनकी शिमला मिर्च कौन ले लेगा, ये तो बहुत महंगी सब्जी बेच रहे हैं। मैं महंगी सब्जी बेच रहा हूं योगी जी, बेफालतू की बात करते हो, सड़ी गली शिमला मिर्च उठा लाए होगे दूसरे गांव से, ये देखो मेरी शिमला मिर्च बिल्कुल ताजी ताजी फ्रेश शिमला मिर्च है मेरी, शिमला मिर्ची क्या मेरी सारी सब्जी बिल्कुल फ्रेश है ताजी। अरे राहुल तुम इतने भारी बोरे में क्या लिए चले आ रहे हो, क्या चीज है। अरे ये तो प्याज है, प्याज तो मेरे पास भी थी, तुमने सुबह भाव भी पूछा था मुझसे, और ये कहां से लेके चले आए तुम। अरे मोदी जी मैंने सुबह तुमसे प्याज का भाव पूछा था, क्या रेट बताया था तुमने। अरे 700 रुपए किलो प्याज बताई थी तुमने मुझे, 700 रुपए किलो बताई थी, ये देखो मैं 10 रुपए किलो प्याज लाया हूँ खरीद के और पूरा बोरा भर के ले आया मैं, अब गांव में मैं प्याज ही बेचूंगा। चलो राहुल 1 किलो प्याज मुझे दे दो, यहीं पे दे दो। राहुल तुम कितने रुपए किलो प्याज को बेचोगे बताओ। अरे अखिलेश इन मोदी जी से 100 रुपए किलो सस्ती बेचूंगा मैं, 600 रुपए किलो। अरे तुम कौन सी सस्ती दे रहे हो, तुम भी तो महंगा भाव लगा रहे हो, 10 रुपए किलो लाए हो और 600 रुपए किलो बता रहे हो। अरे भाई इतनी मेहनत से कंधे पे लाद के शहर से मैं प्याज का बोरा लाया हूँ, उसका किराया नहीं लगाऊंगा। अरे 10 रुपए किलो लाया हूँ तो तुम्हें 10 रुपए किलो ही मैं थोड़ी दे दूंगा भाई, मैं फायदा नहीं कमाऊंगा जैसे मोदी जी कमा रहे हैं। चलो कमा लो कब तक कमाओगे, 2-4 दिन की बाढ़ हो रहे। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो।